निकल चुका है भुवनेश्वर से। अभी जो है टाइम करीब 6:40 हो चुका है एंड प्लान आज का पता नहीं, शायद विजयवाड़ा, शायद राजमंड्री। जहाँ तक पहुँचेंगे वहीं रुकेंगे, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि गर्मी की टाइम है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो आई एम राइडिंग विद पिलियन, सो मिली भी साथ में है तो इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पहुँचना है। सो अभी जो है माइलेज टेस्ट कर लेंगे कितना है। बस था लास्ट टाइम यही रूट पर जो है अफ्रीका ट्विन लेके आया था करीब 7-8 मंथ्स पहले। सो अभी जो है वापस जा रहा हूँ। सो मेरा प्लान ये है कि ये जो बाइक है मैं रखूँगा बैंगलोर में और जो अपनी अफ्रीका ट्विन है वो रख दूँगा भुवनेश्वर में, ताकि कभी कभी अगर मैं भुवनेश्वर आता रहता हूँ जाता रहता हूँ तो उस केस पे जो है चला सकता हूँ इसको यहाँ पे लोकली ट्रिप करके एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ। एंड देन बड़ा प्लान भी होने वाला है गोल्ड विंग के ऊपर। ये जो एग्जॉस्ट लगा है इसमें, ये एक्चुअली एक सुपर कार वाला साउंड देता है लाइक दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार हाईवे क्रूजिंग में ना वो थोड़ा सा मुझे जो है सरदर्द बन जाता है, जूम ऐसा साउंड आ रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जब मैं इसमें बड़ा ट्रिप करूँगा तब स्टॉक एग्जॉस्ट लगा लूँगा, और ऐसे सिटी के आसपास छोटे मोटे राइड्स ये सब के लिए एक्चुअली ये एग्जॉस्ट अच्छा लगता है। एक बड़ा सा प्रॉब्लम इसमें यह है कि हर हम्प पे जो ये टच हो रहा है, आई मीन डबल्स में, इवन दो मैंने जो है सस्पेंशन को 25 पॉइंट पे ही रखा है ऊपर, फिर भी अम्मा ओले की टिकट ट्रक टाक धोखा मार दियो ओले हबनी। 160 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं एंड क्लाइमेट इज टू हॉट। 2-2.5 घंटा लगा है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डाइवर्सन्स यार, बहुत सारे डाइवर्सन्स क्रॉस करते हुए आए हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने गोल्ड विंग क्यों मतलब सेकेंड हैंड लेता हूँ। आपको एक बात बताऊँ, ट्रस्ट मी, मुझे सेकेंड हैंड गाड़ियों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कभी भी मुझे भरोसा नहीं होता है। लेकिन ओनली होंडा दैट आई कैन ट्रस्ट एंड रिलाई। होंडा इतना रिलायबल मशीन्स बनाता है कि उसमें ही आप सेकेंड हैंड ले सकते हो बेफिक्र होके, अनलेस द बाइक इज टू मच अब्यूज्ड। जनरली आपको कभी भी मतलब डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा होंडा के बाइक से। चलो चल ली, बाय बाय बाय। सो अभी जो है मैंने 90 पे जो इसको क्रूज कंट्रोल लगा के सेट कर दिया है, तो गाड़ी जो है अपने आप जा रहा है, जा रही है, जा रहा है, अपने आप जा रहा है क्रूज कंट्रोल। बस हाथ थोड़ा बनाए रखे, गाड़ी अपने आप चलता जाता है। जब आपको क्रूज कंट्रोल कट करना है सिंपली ब्रेक करने से, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो, बहुत सही है, हाथ पे और स्ट्रेन नहीं आएगा। जैसे देखो अभी मैं ब्रेक करूँगा तो क्रूज डिस्कनेक्ट हो जाएगा, देखो ब्रेक कर दिया, क्रूज कंट्रोल डिस्कनेक्टेड। फिर से मैं अगर डी एक्सेलरेट को लगा दूंगा तो क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा। सो विशाखापट्टनम इज़ अबाउट 261 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। आज हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट रूट लें। जनरली मैं जो है विशाखापट्टनम के अंदर से जा रहा हूँ, ओके। लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कि जो है लेंगे अनकापाली दैट रूट, ताकि विशाखापट्टनम की जो सिटी ट्रैफिक है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं।
जहाँ भी गाड़ी रखो लोग पूरा रोड पे खड़ा होके देखने लगते हैं। वेल दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू राइड एक्चुअली। सनसेट हो रहा है, टाइम जो है करीब करीब 4:30 हो चुका है। अभी तक जो है राइड बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला राइड था, लेकिन अभी जो है बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा हवा आ रहा है, अच्छी फीलिंग हो रही है। तो हम लोगों ने जो है इस बार थोड़ा सा डिफरेंट रूट लिया, आई मीन विशाखापट्टनम के अंदर से नहीं गए, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, विशाखापट्टनम के अंदर से जाने से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। इनफैक्ट आई थिंक 15-20 सिग्नल क्रॉस करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यार इस बार जो है अनागापल्ली एक रोड रहता है जो कि थोड़ा सा विशाखापट्टनम से पहले जो आपको कटना पड़ता है दूसरे रोड की तरफ, तो उस तरफ से आया। एंड लकीली आई सी दैट कि मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रोड इज़ लाइक गुड रोड्स। हाँ थोड़ा सा आई थिंक 5-7 किलोमीटर्स थोड़ा खराब पैचेस है, सिंगल रोड है, बट ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द रोड इज़ गुड। सो अभी से जब भी मैं मतलब ये रोड पर अगर जाने वाला हूँ तो इसी तरफ ही आऊँगा, विशाखापट्टनम के अंदर से तो नहीं जाऊँगा यार, बहुत ट्रैफिक होता है वहाँ पर सिग्नल्स। अब ये जो रूट है ये फिर से कनेक्ट कर देगा, वही जो भुवनेश्वर से चेन्नई जो रूट है वहाँ पे कनेक्ट कर लेगा, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड सो फार द राइड इज़ अमेजिंग, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है अल्टीमेटली। ऑब्वियसली लग्जरी बाइक है, आपको लग्जरी फीलिंग दिलाता है। मेरा वाइफ भी बहुत इंजॉय कर रही है वहाँ पे, पीछे पूरा हैंडरेस्ट वैंडरेस्ट सब कुछ है, पीछे बैकरेस्ट है, हैंडरेस्ट है, आराम से बैठी हुई है, और सोफा सेट जैसा फील हो रहा है। गोल्डविंग में एक बढ़िया सा चीज़ ये है कि यार आपको बहुत ज़्यादा एयर मतलब ब्लो नहीं होता है, तो विंड ब्लास्ट ज़्यादा नहीं होता है। उसके एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो है गर्मी फील होता है, ऑब्वियसली अगर हवा नहीं लगता है तो यार गर्मी तो फील ही होगा। एडवांटेज ये है कि जो यूट्यूब की वीडियो बनाओ या फिर मतलब अगर कोई भी आप ऑडियो वोडियो कुछ कर रहे हो या फिर आपके हेलमेट के अंदर जो है साउंड ज़्यादा नहीं आता है, और जो वीडियोज़ बनाते हो उसमें भी बाहर की नॉइज़ बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मतलब विंड का नॉइज़ नहीं आता है, तो हवा जो है क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देता है। सो वो है बात। अभी देखो यार इवनिंग हो चुका है तो देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो है राजमंडरी पहुंचे नहीं है। मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि हम लोग आज जो है राजमंडरी में रुक जाएंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि राजमंडरी विशाखापट्टनम से जो है 3-4 घंटा लगता है, 3 घंटा मान लो एग्जैक्टली फ्रॉम हियर। सो 3 घंटा में तो रात हो जाएगा, और जनरली मैं रात को राइड नहीं करता हूँ डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास कितना भी अच्छा लाइट हो जाए मतलब गाड़ी की, फिर भी मैं राइड नहीं करता हूँ, क्योंकि रात को जनरली थोड़ा रिस्की रहता है। अनलेस अनटिल मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइड करने की रात को, तब कर लेता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ आई जस्ट अवॉइड। सो इसीलिए हम वही करेंगे कि आज राजमंडरी में रुक जाएंगे और कल फिर अर्ली मॉर्निंग हम निकल जा सकते हैं, मतलब विजयवाड़ा होते हुए बैंगलोर की तरफ। देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि राजमंडरी क्या टाइम पे पहुंच रहे हैं, इफ़ वी हैव पेशेंस लेट्स सी। दोस्तों हम लोग जो है थोड़ा सा स्नैक्स और जूस पी लिए यहाँ पे, रनवे 5 ये है, ये एक्चुअली विशाखापट्टनम के आगे अगर हम लोग भुवनेश्वर की तरफ से आ रहे हैं तो आता है यहाँ पे। मैंने पहले भी एक दो बार आया हूँ यहाँ पे, लंच वंच हम लोग किए हैं। चलो आज की प्लान ये है कि हम लोग राजमंडरी में ही रुक जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि अभी जो है ऑलमोस्ट शाम हो चुका है, तो अंधेरा होने वाला है और शायद आधा घंटे में अंधेरा हो जाएगा। तो वही है, राजमंडरी में रुक जाएंगे, फिर उसके बाद कल अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे टुवर्ड्स विजयवाड़ा। दैट्स द प्लान। अरे गोल्डिंग वाले भैया थोड़ा गाना बजा दो। FM लगाएंगे, FM तेलुगु सॉन्ग्स है बेसिकली। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। सो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से मतलब वीडियो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो बात ये है कि आज जो है डे 2 है अपना राइड का, और हम लोग अभी नीचे जाएंगे और गोल्डिंग में सारे के सारे जो सामान रखेंगे। सो कल जो है हम लोग एक्चुअली बिजोड़ा जा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने एक्सटेंड नहीं किया, क्योंकि मेरा पॉलिसी ये रहता है कि यार जो सनराइज से सनसेट तक ही राइड करना है, उससे 1-2 घंटा मैक्स आप स्ट्रेस कर सकते हो टू रीच योर डेस्टिनेशन, बट उससे अगर ज्यादा टाइम होता है तो इट्स बेटर कि यू चेक इन टू होटल एंड स्टे टेक ए ब्रेक, क्योंकि रात को चलाना बहुत अनसेफ है, चाहे आपके पास कितना भी बढ़िया लाइट हो फिर भी अनसेफ है।
कल यार राइड की क्वालिटी बहुत अमेजिंग रहा, कंफर्टेबल है, हैंडलिंग, वेल्डिंग पावर, एवरीथिंग इज गुड. जस्ट दैट थोड़ी सी थोड़ा ग्राउंड टर्न्स की मतलब प्रॉब्लम आता है अगर आप लोग दो लोग बैठते हो, और खास करके उड़ीसा में जो हम से बहुत बड़े बड़े साइज के हम से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वो नीचे वाला स्क्रैप हो रहा था, वो थोड़ा सा मतलब तकलीफ लग रहा था, बट अदरवाइज एवरीथिंग वॉज ओके. एंड सेकेंड प्रॉब्लम, गोल्डविंग की एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि यार बहुत ज़्यादा अटेंशन लेता है. सो जहाँ भी मैं पार करता हूँ यार 10-20-25 लोग आते हैं एंड सेम सेम टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कितना कॉस्ट है, कितना माइलेज है, सबको समझाते समझाते मतलब थक जाते हो यार. मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ एक्चुअली मेरे जो दोस्त लोग हैं उड़ीसा में, जब उनको कोई पूछते हैं वो थोड़ा सा साइलेंट रहते हैं, कुछ बोलते नहीं. उसका रीजन शायद यही होगा कि वो लोग भी थक गए होंगे सबको बताते बताते. इट इज रियली डिफिकल्ट. मतलब हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो आपको लग रहा होगा कि यार नहीं क्या बात है, बोल तो सकते हो, 5 मिनट लगता है, लेकिन एक्चुअली इट इज वेरी टायरिंग. एंड एंड ऑफ द डे कल ऐसा होगा कि मैं एक रिलायंस पेट्रोल पंप पे पार्क किया एंड उसको बोला पेट्रोल डालने के लिए, तो वहां पे 100 लोग करीब रह गए. सेम क्वेश्चन, एवरीवन वाज लाइक क्राउडेड एंड मतलब सब घेरे हुए हैं एंड पेट्रोल वाला मुझे बोल रहा है कि सर आप उस तरफ लगाओ. तो यार मैंने बोला यार तो छोड़ दे, मैं चलता हूँ सुबह भर लूंगा. तो ऐसे होता है इरिटेशन, लेकिन हाँ वही है कि यार स्टार वाली गाड़ी है तो डेफिनेटली अटेंशन बहुत ज्यादा मिलता है उसको. चलो एनीवेज चलेंगे अभी नीचे, लगेज वगैरह से वो लगाएंगे, लगा के फिर निकल जाएंगे. सो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट या करके निकलने से दिन बहुत अच्छा जाता है, और अच्छा बढ़िया सा ब्रेकफास्ट मिलने से तो और भी अच्छा जाता है. तो हमें जो है अभी मिला है इडली, और ये एक स्वीट टाइप चटनी है, ये अपना रेगुलर चटनी है. वहाँ पे एक कुछ मसाला का पाउडर है, यहाँ पे सांभर है, और टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग है. एक्चुअली राजमंड्री, विजयवाड़ा, ये सब साइड पे ना जो है ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है. मैंने ऑर्डर किया इडली और इसके साथ एक डोसा भी ऑर्डर किया है, और माई वाइफ सी हैज़ ऑर्डर्ड डोसा, मसाला डोसा. सही है. क्या व्यू है यार, अमेजिंग व्यू है, बहुत ही बढ़िया, खतरनाक. Foggy roads, good quality roads, not the best, लेकिन good quality. पहले के comparison में तो बहुत बेहतर है, क्योंकि पहले ये वाले पैच जो रोड होता था ना, बहुत सारे गड्ढे वड्ढे पड़े रहते थे. देखो टोल गेट आ गया, पता ही नहीं चल रहा था. अरे 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 अरे, मैंने इस तरफ आ गया. कहते हैं हाँ जाएगा जाएगा जाएगा, हम कटिंग उस्ताद है. ऐसे कटिंग्स में उस्ताद है. फुल फॉग हो गया है. अभी तक एक सीन ये है कि यार हर जगह जो है स्पीड सेंसिंग कैमरास इंस्टॉल हो चुका है पूरी की पूरी हाईवे में. इसका मतलब ये है कि सुपर फास्ट व्हीकल्स जो लोग भी खरीदेंगे कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि चला ही नहीं पाओगे. और आजकल यार ओवर स्पीडिंग की पता है फाइन कितना होता है यार. दिल्ली में उस दिन मैंने कुछ 50-60 पे थार चला रहा था सिटी के अंदर, 2000 रुपये का फाइन आ गया यार एक चलन का. अब बहुत एक्सपेंसिव है, पहले तो यार 100, 200, 300. सफरनामा तेरी और से चला मेरी और. फिर से धूप शुरू हो गया, गर्मी शुरू हो रहा है. थोड़ा नारियल पानी पी लिया हम, अभी निकलेंगे. सूरज राती रे तो पाई साती रे, ए जीवाना जाए बीती रे. पहली बार ये गाड़ी मैंने देखा कि लड़कियां भी देख रहे हैं, आंटी लोग भी देख रहे हैं, मतलब नॉट जस्ट बॉयज, सारे के सारे लोग देख रहे हैं. एंड लोग इनफैक्ट गाड़ी स्टॉप करके फिर उतर के आते हैं, मतलब एज वाले लोग जो हैं वो भी देखते हैं. ये है बात गोल्डविंग की. दोस्तों वहाँ से निकले वो कैफेटेरिया से, मतलब कोल्ड कॉफ़ी पी के, और 50 किलोमीटर चलाएँ, फिर से हमको ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज धूप जो है ना मतलब एक्सट्रीम है. और आप देख सकते हो कि मैं आधा नहा लिया फिर से यहाँ पे पानी वानी में, इतनी गर्मी है, बाप रे, चलाया नहीं जा रहा है. मतलब क्या हो रहा है ना, आंखों पे इतना स्ट्रेस पड़ रहा है जिसकी वजह से बहुत थकान फील हो रहा है एंड बहुत ड्राई ड्राई फील होता है. इसीलिए अभी जो है बीच में रुके हैं, थोड़ा फ्रेश लाइम सोडा पियेंगे, थोड़ा एक और पानी बॉटल ले लेंगे. हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो करके फिर निकल जाएंगे. कूटता हूँ घर,
ବରହମପୁର ଆରେ ବା ବଢିଆ ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛ ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି ହେଲା ଆଉ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ କେଉଁଟା ଦେଖୁଛ ଓଡ଼ିଆ ନା ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆଟା ବୁଲୁ ଭାଇ ନା ରେଡ଼ି ମାନେ ରାଇଡିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସନ୍ इज एक्चुअली रॉन्ग आइडिया भाई हमने एक्चुअली स्टॉप किया था कि फर्स्ट टाइम छोड़ा लेंगे लेकिन इतना गर्मी है देख के जाने को मन ही नहीं कर रहा सोचा कि यार लंच मंगवा लेते हैं फिर लंच मंगवा लिए अब पक्का नींद आएगा सो ऐसा कभी नहीं होता है मेरे साथ जनरली लेकिन आज हो रहा है क्योंकि धूप जो है ना पूरा अलग लेवल की है यार आंध्र में मतलब बहुत ज़्यादा धूप है सो अभी के लिए राइड प्लान सब पोस्टपोन करना ज़रूरी है ये टाइम दिस टाइम इज़ नॉट एक्चुअली गुड फॉर राइड्स सो नायडूपेटा इज़ अबाउट 41 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर सो नायडूपेटा के बाद जो है मुझे राइट टर्न लेना है राइट टर्न लेने के बाद जो है तिरुपति हाईवे पकड़ूंगा एंड आई गेस वहाँ से जो है करीब करीब 280 किलोमीटर्स कुछ होगा बट दैट रोड इज़ गोइंग टू टेक टाइम सो अभी जो है टाइम 5:30 हो चुका है एंड अभी से हम लोगों को और 6 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम सो आई थिंक विल रीच एट अबाउट 11:30 सो जनरली मैं रात को राइड नहीं करता हूँ लेकिन इस तरफ जो है रहने का चॉइसेस बहुत कम है सो देर माइट बी अ चांस कि हम लोग नहीं तो तिरुपति में रह जाएंगे बट विल सी अभी तो कोई डिसीजन नहीं बना है लेट्स गो आगे देखेंगे क्या होता है अभी के टाइम अगेन शाम के टाइम है यही मोमेंट जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है राइड करने के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट होता है कोई भी राइडर के लिए नाइस नाउ द फीलिंग इज़ अमेजिंग एंड आई एम श्योर कि जब तक हम लोग बैंगलोर में पहुँचेंगे हम लोगों को जो क्लाइमेट जो ठंडा मिलेगा क्योंकि यूजली बैंगलोर की जो क्लाइमेट रहता है इवनिंग के टाइम पे ठंडा हो जाता है सो टुडे इज़ द डे 3 ऑफ अ राइड सो पहली बार मेरे साथ हुआ कि मैं भुवनेश्वर से बैंगलोर आया मुझे 3 दिन लगा इससे पहले एक बार हुआ था जिसमें एक्चुअली आदि था तो उसकी वजह से डिले हो रहा था लेकिन जनरली मैं जब भी मतलब बैंगलोर से भुवनेश्वर या भुवनेश्वर से बैंगलोर आता हूँ हमेशा 2 दिन में ही करता हूँ इट्स रफली अबाउट 1500 समथिंग क्लोज टू 1600 किलोमीटर्स लेकिन इस बार मैंने जो है ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि माई वाइफ इज़ ऑल्सो देयर एंड उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है मतलब रास्ते में आप लोग तो देख लिए होंगे तो उसके वजह से मैंने सोचा यार ब्रेक जर्नी करना ज़रूरी है और कल जो है हम लोग एक्चुअली तिरुपति जब क्रॉस कर रहे थे तब इट वाज अबाउट लाइक 6:37 तो मोस्टली अंधेरा हो गया था एंड दिस पैच ऑफ रोड इज़ लाइक रियली बैड तो ऐसे सिचुएशंस पे डेफिनेटली एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा इट्स बेटर टू ब्रेक द जर्नी इवन दो अभी जो होटल पर हम लोग हैं तो यहाँ से जो करीब 200 किलोमीटर है टू रीच माई होम बट स्टिल वी मेड अ डिसीजन कि यार इट इज़ बेटर कि कोई होटल में चेक इन करते हैं एंड देन सुबह आराम से मतलब अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे एंड दैट्स द बेस्ट डिसीजन क्योंकि अगर आप रात को ट्रैवल करते हो एक तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाता है दूसरा यू नेवर नो व्हाट विल हैपन एंड यू आर आल्सो टायर्ड और घर आप इतना लेट पहुंचोगे कोई मतलब नहीं है घर जाके करोगे भी क्या सोओगे उससे बेटर है कि यार टाइमली यहाँ पे चेक इन कर लो आराम से सो जाओ नींद कंप्लीट होगा फिर सुबह आराम से उठो एंड चले जाओ तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप अगर फॉलो करते हो तो आप एक बेहतर राइडर भी बन सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली अराइव एट योर डेस्टिनेशन सेफली मतलब कोई टेंशन नहीं होगा स्ट्रेस नहीं होगा अब क्या है देखो रोड्स ख़राब है हो सकता है गाड़ी टूटेगा या फिर हम लोग गिरेंगे या कुछ भी हो सकता है मतलब बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हो सकता है सो इट इज़ बेटर कि चेक इन कर लो आराम से सो चिल करो नेक्स्ट टाइम निकल जाओ सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्योंकि मैं जो है करने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ा ट्रिप अपने गोल्ड विंग के साथ सो उसके अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी हो जाएगा नो वन एवर हैज़ डन दिस इन दी वर्ल्ड टिल डेट सो बहुत जल्दी अपडेट मिलेगा आपको अगर हम बाइक की बात करें तो यार बाइक इज़ डूइंग टोटली फाइन बहुत अच्छा कर रहा है सिवाय जो ग्राउंड क्लियरेंस का जब बड़ा बड़ा हम्प आता है थोड़ा सा टच होता है अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली डूइंग ग्रेट अभी बहुत गंदा हो चुका है आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक है एंड थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं थोड़ा सा रात को जो है मॉइस्चर या क्या ड्यू जो भी बोलते हो उसकी वजह से ऐसा दिख रहा है बट या अदरवाइज द बाइक इज़ डूइंग रियली ग्रेट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल राइड है सो दिस इज़ लाइक अ रोल्स रॉयस ऑफ मोटरसाइकिल्स यू कैन से व्हाट अ मोमेंट दिस इज सनराइज देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है अमेजिंग ओके सो फाइनल एक्सपीरियंस की बात करूँगा जो लॉन्ग राइड की एक्सपीरियंस है
हम लोगों ने अभी तक जो है करीब करीब 1300-1400 किलोमीटर चला चुका हूँ, और दो और एक 150 किलोमीटर आई गेस बाकी है टू रीच बैंगलोर। सो एक बात तो है कि यार कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम लोग बिल्कुल टायर्ड फील नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज़ के लिए टायर्ड फील कर रहे हैं वो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, वो जो धूप की वजह से जो मतलब डिहाइड्रेशन वो सब होता है उसी की वजह से जो टायर्ड फील हो रहा है। बट जो होता है ना कि बैक पेन या फिर नेक पेन या फिर मतलब जो कंफर्ट, उसमें तो कोई भी कमी नहीं है। सो दिस इज लाइक लग्जरी ट्रैवल, अलग ही लेवल की फीलिंग है ऑनेस्टली। मज़ा आ गया, बस बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। एंड इसमें जो रोड ग्रिप है ना वो देखने लायक है, क्योंकि एक तो गाड़ी बहुत भारी है, ब्रॉड वाइड टायर्स है, टोरिंग टायर्स है, ऐसा वो यू शेप का टायर नहीं है, स्लाइटली ऑन द फ्लैटर साइड। तो रोड ग्रिप बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग सॉलिड है, क्लच थोड़ी सी जो है हार्ड साइड पे है, तो जब आप सिटी ट्रैफिक में या फिर ऐसे ट्रैफिक वाले सिचुएशन पे चलाओगे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो होता है, क्लच थोड़ी सी हार्ड है, बट ओवरऑल कंफर्ट ऑसम। वो होता नहीं कि मैं जो भी मोटरसाइकिल्स खरीदता हूँ उसमें लेते ही पहले जो है हैंडल बार सीट को मॉडिफाई करता हूँ इसमें कोई चांस नहीं है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है। इससे बेहतर सीट और हैंडल बार और ओवरऑल राइडिंग पोस्चर जो है आपको कोई और मोटरसाइकिल में नहीं मिलेगा। टू मंच माइल्स दिस इज द परफेक्ट मोटरसाइकिल, जस्ट दैट की रोड की कंडीशन से अच्छा होना चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया हाईवे टूरर क्रूजर आप इसको बोल सकते हो, तो वैसी बाइक है। बाय बाय, टेक केयर गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बहुत जल्दी आ रहा है। चीयर्स। गोल्डिंग पागल हो जाएगा अगर बैंगलोर की सिटी ट्रैफिक देख लिया तो एक सिटी ट्रैफिक वाला एक्सक्लूसिव वीडियो बना सकते हैं कि कैसा फील हो रहा है। चलो वो भी आ जाएगा चैनल पे बहुत ही जल्दी।